असलम डियर फ्रेंड्स वेलकम टू तो अवर यूट्यूब चैनल मैथ्यू तसन अली टूडे वी डिसकस साइंस ऑफ क्लास सिक्स टू एट एम सी क्यूज फॉर पी एच टी एंड जी एस टी प्रिप्रेशन ये एम सी क्यूज जो है न प्रीवियस हम दो तीन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हमारा टारगेट है टोटल हंड्रेड एम सी कूज डिस्कस करने का और अकॉर्डिंग टू द आई बी ए सिलेबस ही हम जो है ना वो एम सी क्यूज साइंस के डिसकस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन द रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम हैज अ न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था कि एटम एटम का जो है वो न्यूक्लियस सेंटर होता है और वो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन है डॉटर्स मॉडल ऑफ एटम स्टेट दैट एन एटम इज अ वेरी स्मॉल हार्ड स्पेयर एंड इंडिविजिबल ये तीनों पॉइंट जो है ना वो डोल्टन के मॉडल की थी तो आला फबा होगा द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम इज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना सेम होता है इसीलिए हम जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस बियर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के नज़दीक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में उन पर नगेटिव चार्ज होती है एन एटम्स मॉडल दैट एटम इज़ कम्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ये थॉमस मॉडल थॉम्सन मॉडल था जिसमें ये कहा गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में शेल में घूम रहे हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो प्रो, प्रोटॉन की होती है जो उसके सेंटर में होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम आर कॉल प्रोटॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है जो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं मैनी हीलियम एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम गैस हीलियम के बहुत सारे एटम मिलकर हीलियम गैस बनाएंगे और जो न्यूट्रॉन केरी नो चार्ज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती ईच ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थ्री ऑक्सीजन एटम ओजोन में तीन ऑक्सीजन एटम होते हैं एन ऐटम इज़ इट सेल्फ एन एंटिटी एंड बाई चार्ज इट इज न्यूट्रल ऐटम जो है वो खुद एक इंडिविजल न्यूट्रल होता है क्योंकि ऐटम में जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बन जाता है अ सिल्वर पैंडेड इज मेड अपटम ऑफ सिल्वर सिल्वर में सिल्वर के जो है ना एटम होंगे साइज़ ऑफ़ अ सिंगल एटम इज़ ज़ीरो पॉइंट वन नैनोमीटर। एटम जो है ना वो बिल्कुल समालेस्ट है इसलिए जीरो पॉइंट वन नैनोमीटर उसकी साइज़ है नंबर ऑफ एटम वो ऑफ़ सल्फर कंटेन इज एट सल्फर में टोटल एट मालिकूल होते हैं अंडर एस टी एम एटम कैन बी ट्रांसफर्ड और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन ग्लूकोज मालिकूल इज़ सिक्स एंड हाइड्रोजन मालिकूल इज़ टैल्व ग्लूकोस में ऑक्सीजन के सिक्स एटम होते हैं हाइड्रोजन के ट्वेल्व होते हैं और फिर दोबारा कार्बन के भी सिक्स होते हैं क्योंकि ग्लूकोस का फार्मूला है सी सिक्स एच ओ सिक्स वन कार्बन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम आर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मालिकूल ऑफ एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा ठीक है ऑक्सीजन वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 वन नैनोमीटर न्यूक्लियस का डायमीटर बहुत स्मॉलेस्ट है द टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज़ कॉल एटॉमिक नंबर ठीक है किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऐटम विच एग्जिस्ट इसमॉलेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता हो उसको हम ऐटम कहते हैं न्यूक्लियस इन एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या बोथ ए एन बी बोथ ए एन बी होगा क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं होते मालिक्यूल विच कंटेंट फिक्स नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम आर कॉल मालिक्यूल और एलिमेंट मालिक्यूल में फिक्स नंबर ऑफ एटम हो और एक ही टाइप एटम हो तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे टू और मोर एटम केमिकली कंबाइन टू फॉर्म दो या दो से ज़्यादा अगर एटम केमिकली कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा मालिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बन सकता है अगर डिफरेंट मालिक्यूल होंगे एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल विच इज़ फार्म आइन जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो आइन बनेंगे दंबर ऑफ नंबर इन टाइप ऑफ एटम आर शेयर के आर शोन इट्स केमिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला में हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ़ ऐटम्स हैं और कौनसे नंबर ऑफ कौन से टाइप ऑफ एटम हैं जैसे अगर हम एच टू ओ लिख रहे हैं तो एच टू शो करता है कि टू हाइड्रोजन आइटम है और ओ मीन्स एक कार्बन एट ऑक्सीजन आइटम है फॉसिल फ्यूल आर रिच इन कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल एक हाइड्रोकार्बान हैं तो हाइड्रोकार्बन में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं थाउजेंड ऑफ मिरर आर कर्ड मेटल्स आर यूज टू फोकस सोलर एनर्जी टू मेक इट वेरी हॉट इन सोलर फर्नेस सोलर फर्नेस में थाउजेंड ऑफ मिरर जो है ना वो यहाँ कर् मेटल वगैरह यूज़ किए जाते हैं ताकि सोलर एनर्जी को फोकस करके उनको बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की जाए विंड इज़ अ बेनिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इट डज़ नॉट काज पोल्यूशन विंड नॉन रिन्यूएबल है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता फॉसिल फ्यूल इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट होम्स इंडस्ट्रीज ऑल ऑफ आल ऑफ दोगा क्योंकि फॉसल फ्यूल जैसे जो भी हमें फ्यूल मिलता है वो हम डिफरेंट परपज़ के लिए यूज़ करते हैं स्पेशली ट्रांसपोर्ट होम और इंडस्ट्रीज के लिए टू डेट मोस्ट कामन टाइप ऑफ गैलेक्सीज फाउंड यूनिवर्स आर एपिकल गैलेक्सी एपीटिकल गैलेक्सी जो है ना वो मोस्ट फाउंडेड गलेक्सी है इन स्पेस बिसाइड स्टार दियर इज़ आल्सो ह्यूज कैपेसिटी ऑफ डस्ट एंड गैस स्पेस में स्टार के साइड में जो है ना कैपेसिटी ऑफ डस्ट और गैसेज है इन स्पेस बिसाइड स्टार ये हो गया ठीक है कॉमेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट सर्कलिंग अराउंड सन इज नोन एज सोलर सिस्टम ठीक है सर सराउंड सर्कल सराउंड सन मतलब सन के चौधरी जो है वो जो भी चीज़ें घूम रही हैं उनको सोलर सिस्टम कहेंगे स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन अगर अर्थ जो है अपने ही ऑर्बिट में घूम रही है तो वो रोटेशन कहलाता है अ ग्रीन हाउस गैस देट एबजॉर्व एनर्जी एंड मेंटेन अर्थ टेम्परेचर इज़ वो ग्रीन हाउस गैस जो एनर्जी अब्जॉर्व करे और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करे उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस है मेन कॉन्स्टिट्यूट इन द ईयर इज मेन जो ईयर में गैस है उसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो नाइट्रोजन का होता है इन डिज़र्ट एरिया वाटर वेपर कॉन्टेंट इज़ लो डिज़र्ट एरिया में वाटर वेपर जो है ना वो लो अमाउंट में होते हैं इन एरियाज वाटर वेपर कंटेंट इज़ हायर जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं जिसमें जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर वाटर के वेपर ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं वाटर वेपर इज़ लेस डेंस दैन एयर वाटर के वेपर है। excelled, जो है ना से लेस डेंस हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सेल ईयर इज सिक्सटीन जो परसेंटेज हम एक्सल करते हैं ईयर में वहाँ पर ऑक्सीजन की जो है ना परसेंटेज सिक्सटीन है और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल ईयर जब हम एक्सेल करते हैं उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज फोर परसेंट होती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ टीथ के फोर टाइप हैं इंसेसर्स जो है ना वो टीथ हेल्प करते हैं फूड को तोड़ने में और कोल्ड इज़ काज बाय वायरसेस नंबर ऑफ वायरसेस वो चार एवरेज नीज कैन स्प्रेड इन टेन मीटर्स एरिया इज अगर नम, जो वायरसेस का नंबर है अगर टेन मीटर एरिया में हमने फैलाया हुआ है तो उसका वन लाख होगा अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डेसी वाटर डेसी वाटर इज अ रिवर्स ऑसमोस डेसीन जो है ना वो रिवर्स ऑसमोस प्रोसेस में होती है प्रोसेस देट टू नॉट रिक्वाड एनर्जी फॉर मोमेंट ऑफ आर्टिकल आर कार डिफ्यूजन एंड ऑसमोसिस डिफ्यूजन और एनर्जी रिक्वायर नहीं होती बस मटेरियल जो है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली मूव करता है परसेंटेज ऑफ ट्रांसपारेशन स्टोमेटा इज़ इस जीरो पॉइंट नाइन स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर ट्रांसपायर होता है उसकी परसेंटेज जीरो पॉइंट नाइन है कॉन्टेंट डेटा अ प्लांट यूज टू मेक फूड आर जो है ना वो कौन सी चीज़ें यूज करके खाना बनाते हैं वाटर मिनरल साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्लो डाउन वेन जब प्लांट वेल्ट हो जाते हैं तो रेट ऑफ ऑटोसेंथिस ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है टू की फिश फ्लोटिंग इन वाटर इट रिक्वायर्ड स्विम ब्लेंडर। फिश को जो है ना वो फ्लोट करने के लिए स्विम बलेंडर चाहिए और टू स्विम थ्रू वाटर इजीली फिश है फिंस और इजीली फ्लोट करने के लिए स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं फिश के अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन इज़ नोन एज फूड वेब अगर फूड चेन ज़्यादा कॉम्बिनेशन में जाए तो उसको फूड वेब कहेंगे हाउ मैनी न्यूरान्स मेक अ ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन में टोटल हंड्रेड मिलियंस न्यूरो होते हैं हाउ मैनी लेयर्स डज द अर्थ है अर्थ के टोटल फाइव लेयर्स हैं द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड जब ज़्यादा एयर चलती है या एयर जो भी मूव करती है उसको विंड कहते हैं वच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग फायर एक्सटिंग में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हायर डेंस होते हैं दैन एयर फिश हैव म्यूकस ऑन द एयर ओवरलेपिंग स्केल टू स्लाइड थ्रू वाटर फिश का जो म्यूकस होता है तो उसके स्केल्स पे लगा होता है ड्यू टू स्केय सप्लाई ऑफ द फूड इन विंटर एनिमल हाइबर्नेट हाइबरनेशन जो होती है वो विंटर में उन एनिमल के लिए होती है जहाँ पे खाना उनको सप्लाई कम हो जाए टू कीप फिश फ्लोटिंग इन वाटर इट रिक्वायर फेंस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टू सेम थ्रू दाटर फिंस है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चैन इज नोन एज फूड वेब एंड फिश हैव म्यूकस ऑन देयर ओवरलेपिंग स्केल स्लाइड थ्रू द वाटर Due to scarce supply of food in winter, animals hibernate. Moles feed on earthworms. And leaves of cactus are like very small spines to prevent excess water loss by evaporation. When plants and animals die, they decompose by detritivores. Fur of moles is spiky. एंड बियर हैव स्ट्रॉ ले सो दैट दे कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च आ फूड मॉल्स फीड ऑन अर्थवॉर्म एंड द लीवस ऑफ द कैक्टर्स आर लाइक सम्माल स्पाइज टू प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस ऑफ वाटर बाय ऑपरेशन यहाँ पे कुछ ऐबी कुछ हालत गलत किए हुए हैं तो उनका करेक्ट कर लेना वैन प्लांट एंड एनिमल डाए दे आर डिकम्पोज बाय ये भी जो है ना वो गलत इसके मंजर्स है ये ठीक है टेल ऑफ द फिश इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इट्स डायरेक्शन ओके द अर्थ अंडर ऑफ द पोलर बियर कलर ऑफ द स्किन इज ब्लैक बियर हैव शार्प टीथ टू किल सील्स डिज ट्रीज डिज ट्रीज आर ट्रीज देट शेड लीव्स प्रोसेस इन विच फूड सबस्टेंस आर मूव टू रेस्ट ऑफ़ द प्लांट बाय फोलियम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन फोलियम इज अ वेसल इन विच कैरीज प्रिपेयर फूड टू देयर पार्ट फ्राम द लीव्स फोलियम वो वेसल होता है जिसकी मदद से जो खाना प्रिपेयर्ड हो पड़ा हो लीव्स में वो डिफरेंट पार्ट में जाता है वाटर एवोपरेट फ्राम टिनी पोर्ट्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लीव दिस दि पोरसाल स्टोमेटा, जो वाटर लीव के छोटे पो, पोर्स होल्स होते हैं उनमें से पास होता है वो होल्स के नाम स्टोमेटा हैं इन रूट वेस्कुलर बंडल आर इन सेंटर रूट में वेस्कुलर बंडल्स से सेंटर में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन मूव इन प्लांट बाय डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाई डिफ्यूजन होती है मोस्ट ऑफ द मिनरल साल्स इन दॉयल एंटर रूट्स बाई द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इफ एंड इन ड्रॉप्स इन द्रॉप्ड इन वाटर एंड इट स्प्रेड इजीली इन वाटर इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड इन प्लान रूट्स टेक अप वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लान में जो पानी लेने वाला ट्यूब होता है वेस्कुलर बंडल्स में वह जयलम होता है थैंक यू for watching the video.